Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So, go and book your tickets online from booketnow.pk. Now. मुझे दानी चाहिए अब भी तुम तो ऐसे उदास हो रही हो जैसे हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है हरीश का ख्याल कैसे रखना। तुमने अभी तक मुझे बताया तो नहीं कि तुम वहां क्यों गई थी। आप मेरे कजन हैं, मेरे बाप भाई या शोहर नहीं है कि मुझ पे चीखे या इस तरह का सवाल करें। ये हक मैंने आपको नहीं दिया। कहाँ जा रही हो? बारी आ गई तुम्हारी? वो गाड़ी में पानी रह गया था। सुनो, फिक्र मत करो, मैंने निकाल किया था, कोई नहीं पहचानेगा। मैं लेके आती हूँ, तुम्हारी बारी आने वाली है। महक आपको मिलना चाह रही है। महक? हाँ। छोड़ो बाबा, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं कबीर भाई से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी माँ को देख लिया, तानीन को देख लिया, और अब तुम्हें देख रहा हूँ मैं। तुम लोगों को शरीफ लोग रास नहीं आते। हरीश, आप लोगों से बहुत नाराज होगा, आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखेगा आके। हरीश का डरावा दे रही हो, जानती हो क्यों छोड़कर गया था तुम्हें वो? तानीन के बगैर तो रह सकता है वो, लेकिन शमशेर नगर की ऐश के बगैर नहीं रह सकता। याद आया तुम्हें? नहीं, वो वैसा नहीं रहा, बदल गया है वो। कुछ नहीं बदला। हरीश बिल्कुल वैसा ही है, हालात बदल गए हैं। तुम्हें पता है कैसे? यहां का पलड़ा भारी हो गया है और इस पलड़े में आनिया है और मेरा पोता, और तुम क्या समझती हो? हरीश तुम्हें चुनेगा, शमशेर नगर को चुनेगा वो, तुम्हें नहीं। चाची देखे, मेरी बात सुने, मुझे बचा ले। मैं तो आपको अच्छी लगती हूँ ना, मुझे प्लीज बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ से जाने दो। कहाँ जाओगी? है कोई जगह तुम्हारे पास? लड़कियों के पास शौहर के घर के अलावा कोई जगह नहीं होती। शौहर के पास रहने में उनकी इज्जत है। लेकिन मेरा शौहर तो मेरी इज्जत नहीं करता ना, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। तो बर्दाश्त करो, सब करती हैं, और इसी में हमारी आफियत है। मैं और नहीं कर सकती बर्दाश्त, बस हो गई है मेरी, माफ कर दे मुझे, मैंने उससे शादी कर ली। प्लीज मुझे बचा ले, खुदा का वास्ता है आपको। देखो अभी तो वो आ रहा है, अभी तुम जाओ उसके साथ, फिर बाद में कुछ करते हैं। कोई कुछ नहीं करेगा बाद में, कोई कुछ नहीं करेगा, और वो ऐसे मेरा इस्तेमाल करेगा, जिंदगी भर मुझे नहीं छोड़ेगा वो। मुझे बचा लेना चाची, मुझे बचा ले। मैंने नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने उससे कहा भी था कि वो ना जाए, मैं चली जाती हूँ, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। पता नहीं कौन ले गया उसे। सैफ के आदमी लेके गए होंगे। उनको पता कैसे चला? हो सकता है किसी ने घर से फॉलो किया उन्हें। इसका मतलब है सैफ को पता चल गया था कि दानी यहाँ पे रह रही है। तुमने तो कहा था ये घर सेफ है, ये सेफ्टी है तुम्हारी? हरीश, इसमें उनकी क्या गलती? अरे यार, दानी गायब हो गई है, इसका मतलब है किसी ने कुछ तो बोला है ना। Calm down. दुआ करो खैरियत से हो, बस that's what matters. आंटी का फोन है। पिता। अस्सलाम वालेकुम। क्या? कैसे? उसको किसी ने धक्का तो नहीं दिया? नहीं, उसने सैफ को देखकर छलांग मार दी।
हॉस्पिटल में है वो, दुआ करो बेटा। What happened? दानी बालकनी से कूद गई। What? हॉस्पिटल में। चलो फौरन, let's go। सर, तुम चल रही हो सर? परेशान नहीं हो, कॉल करता हूँ उससे मिलकर। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। अल्लाह मियां प्लीज वो ठीक हो। या अल्लाह प्लीज, मेरी जान ले ले, लेकिन इसे ठीक कर दे। आनिया, मेरा दिल कह रहा है वो ठीक हो जाएगी। तुम आइंदा ऐसा कुछ ना कहना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अब चलो मेरे साथ, मुझे बता यहाँ बैठे बैठे परेशान होगी तुम। मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना, चलो मेरे साथ। चले भाई, देर हो रही है, मेरे साथ चले। मैं नहीं जा रहा। आप दानी से मिलने नहीं जाएंगे? हाँ, और ना ही तुम जाओगी। मैं तो जाऊंगी और आपको भी साथ लेके जाऊंगी। आपकी बेटी है वो। मेरी बेटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो घर छोड़ के भागी है। फिर वही बात, क्या आप चाहते थे कि वो उसी दिन मर जाती? कम अज कम वो मौत इस मौत से तो अच्छी थी। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ऐसे मत कहे, उसकी हालत बहुत खराब है। अगर कुछ हो गया तो एक ना एक दिन तो हम सबको मरना है। भाई प्लीज, एक बार उसे मिल ले, बस एक बार। ठीक है, आपकी मर्जी, मैं जा रही हूं। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। आप मुझे मना नहीं कर सकते। मैं शेरगढ़ का वली वारिस हूं। जब तक तुम यहां हो, तुमको मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी बेटी दानीन नहीं हूं। दानीन या नाजिया, शेरगढ़ के उसूल किसी के लिए बदले नहीं जा सकते। हमारे लिए वो मर गई। दानीन का है? ऑपरेशन थिएटर में है वो, अंदर नहीं जाने देंगे तुम्हें। वो वहां पहुंची कैसे और अचानक से छत से गिर कैसे गई? जब होश में आएगी ना तो खुद पूछ लेना उससे। मैं जानता हूं कि आप सब जानते हैं, बस दुआ करें कि उसको कुछ हो ना, वरना ना मैं आपका ना शमशेर लगाकर न्याज करूंगा। तमीज से बात करो, बाप से बात कर रहे हो अपने। और ये मत भूलो कि तुम्हारी कजन बाद में है, पहले भांजी है मेरी। काश आपने उसको भांजी समझा होता। मेरा ख्याल से अभी इस बात को रहने दीजिए, दानीन की फिक्र करते। आनिया, 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 काफी बेहतर है पहले से। ब्लड प्रेशर उनका थोड़ा सा लो है और आयरन लेंगी, ठीक हो जाएंगी। थोड़ी डाइट इंप्रूव करें, सही हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम उन्हें घर लेकर जा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, लेके जा सकते हैं। बस उनकी डाइट का जो है आप लोग ख्याल रखिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मैं उसे घर ले जाता हूँ, आप लोग आराम से बैठिए। नहीं, आई थिंक उसे शमशेर नगर लेकर जाना चाहिए। वहाँ पे नशवा है, मुमताज है, ख्याल रखेंगे उसका। मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। अगर तुम नहीं जाओगे ना तो तुम्हारी बीवी भी नहीं जाएगी, और अभी उसके लिए यही बेहतर है। जानता हूँ मेरे और मेरी बीवी के लिए क्या बेहतर है। देखो ऋषि, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब वक्त आ गया है कि तुम भी उसके लिए कुछ करो।
I think he's right. उसे घर लेके जाओ, कंफर्टेबल करो, फिर देखते हैं क्या करना। मैं देख कर आता हूँ। जब तक दानी इनको होश नहीं आता मैं यहीं पर हूँ, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। बेटा बैठ जाओ। आई थिंक अब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ जाना तो होगा मुझे हॉस्पिटल। ऑपरेशन भी हो गया होगा, डॉक्टर से भी बात करनी होगी। मामा और नशवा है, तुम्हारा ख्याल रख लेंगे। ओके बेटा, नशवा तो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं है, उससे किसी का ख्याल नहीं रखा जाता, और फिर मैं अकेले तो इसे देख नहीं सकती। मामा देखना नहीं है, बस साथ रहना है इसके। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा ये तो कहेगी तुम्हें, तुम इसकी नेचर को जानते हो, लेकिन इस वक्त इसको तुम्हारी जरूरत है। और वहां अल्तमश है तो सही हॉस्पिटल में, वो बात कर लेगा ना डॉक्टर से। बेटा बच्चे की बात ना होती तो मैं तुमसे कभी ना कहती। हेलो। आज सो रही थी? नहीं, सोच रही थी कि आपको कॉल करूं, लेकिन फिर लगा कि देर हो गई है। मुझे असल में आपसे बात करनी थी। मैं हॉस्पिटल में दानीन गिर गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ। क्या, कब? वो तो आनिया के साथ गई थी। और लंबी कहानी है, मिलके बताऊंगा। अभी फिलहाल तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। मैं अभी भी हॉस्पिटल में ही। कैसे हुआ, कौन से हॉस्पिटल में आप? कुछ नहीं पता कैसे गिर गई, दुआ करो बच जाए। बच जाए? मैं आ रही हूँ अभी। बहुत रात हो गई है, तुम यहाँ पे अभी नहीं आओ। आप कह रहे हैं दुआ करो वो बच जाए, और फिर कह रहे हैं मैं ना आऊं? हाँ तो और क्या कहूँ, उसकी हालत नहीं ठीक है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दी। जवाब दे दिया? अभी तो आपने कहा था ऑपरेशन हुआ है। हाँ लेकिन डॉक्टर्स को ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं भी आ रही हूँ, घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई डोंट केयर। ठीक, मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, खुद से नहीं आना। ठीक है, खुदा हाफिज़।
ठीक तो हो जाएगी ना? पता नहीं यार, यहाँ बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। एक दो दिन में पता नहीं क्या हो रहा है। होश कब आएगा? अल्लाह करे होश आ जाए। आप ऐसी मायूसी वाली बातें तो ना करें। नहीं नहीं सर, डॉक्टर मायूस है। क्या सोचा था, क्या हो गया, कहाँ थी, किसके साथ गई थी, खुद गिरी या किसी ने धक्का दिया? मुमताज आंटी ने तो बोला कि उसने छत से कूदने की कोशिश की, फिर कहती हैं कि गलती में, टेंशन में मैंने कुछ और बोल दिया, असल में वो स्लिप हुई थी। कहाँ से? पता नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपनी कह रहे। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके आता। नहीं, थोड़ी देर और। इज़ा सुबह होने वाली है, वैसे भी मेरा यहाँ पे रहना इतनी देर ठीक नहीं है। लेट्स गो। मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? I'll take care of it. अभी चलो, let's go. Let's go. सर क्या आप बताएंगे ये हादसा कैसे पेश आया? आप लोगों में पहले से झगड़े चल रहे हैं। सर क्या मैम का और आपको कोई दुश्मन है? सर ये कहीं खुदकुशी का केस तो नहीं है? प्लीज रोके इनको, ये देखिए ये कुछ जगह है आने की। सर आप जवाब दीजिए, सर आप जवाब दीजिए, सर आप जवाब दीजिए, सर आप जवाब दीजिए, सर आप सेट पे हो जाओ भाई। ये लोग यहाँ भी आकर है। सर मैंने तो तुम्हें कहा था जान छुड़ाओ इससे, तुम मेरी सुनते ही कहा, अब क्या फाइन नहीं फैलेंगे? लेटी रो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी ठीक हूँ। हरीश कहाँ है? वो वॉशरूम में, हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। उसे कहो कि तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। जो कह रहा हूँ वो करो प्लीज। हरीश का हॉस्पिटल जाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। तानीन का शौहर है उसके पास। मैं उन्हें जाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, मैं हरीश को बता देता हूँ कि तुमने क्या किया है। वो मैं परेशान हो गई थी इसलिए। मजीद घबरा जाओगी, वो ना किया जो मैं कह रहा हूँ, और वैसे भी हो सकता है कि वो होश में ही ना आए। प्लीज ऐसे नहीं कहें। हरीश और शमशेर नगर की इज्जत को बचाना है। तुमने कुछ नहीं किया, समझी? जो किया उस लड़की ने किया है और उसके साथ सही हो रहा है। सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। नस्लें खराब कर देती है अपनी, खानदान के लिए शर्म का बायस होती है। तुम में और उसमें यही तो फर्क है, और ये फर्क मिटना नहीं चाहिए। सैफ का मामला है ये, उसको हैंडल कर लेने दो, लेकिन तुमने हरीश को नहीं जाने देना, समझ गई तुम? Thank you.
तो नहीं बचने वाली, ये तो नहीं बचने वाली, मर जाएगी, क्या जवाब देंगे बाहर? माँ ये गजनफर साहब के यहाँ गई थी, वो जाने और ये जाने, अब चले यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गए हो, बीवी है तुम्हारी, तुम लेकर आए थे इसे, बाहर जो मजमा खड़ा है क्या जवाब दोगे उसको? मैंने तो कहा था तलाक देके एक बात खत्म करो, तुम मेरे सुनते ही करो, तुमने पहले भी मेरी नहीं सुनी, खुद ही उसको पागल कहते हो और खुद ही उसके साथ मुकाबले पे खड़े हो, कभी पागलों से भी कोई जीता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो आप अंदर जाए, ठीक है। जी गजनफर साहब, फिर आप आ रहे हैं ना हॉस्पिटल? नहीं मैं तो नहीं आ रहा। क्या मतलब? आप अपनी भतीजी को इस हालत में छोड़ देंगे? मैं अपनी भतीजी को बहुत पहले से छोड़ चुका हूँ, ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपने सारे फराइज भी पूरे कर दिए। आपने कहा कि आपकी बीवी घर छोड़ के भाग गई, उसे ढूंढते। मैंने ढूंढ दिया, अब आपको देख के उसने खुदकुशी की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसे हॉस्पिटल भी पहुंचाया, उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया, अब इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आपका दिमाग तो ठीक है? तमीज से बात करो, यहां तुम्हारी नौकरशाही नहीं चलेगी। तुम्हारा मामला है, तुम उसे खुद सॉल्व करो। और हाँ, मैंने रिपोर्टर से भी कह दिया। क्या कह दिया? यही जो तुम्हें कहा। रिपोर्टर्स को कह दिए? जाहिर है, मुझे क्या मालूम तुमने उसके साथ क्या सलूक किया होगा। कोई ना कोई बात तो जरूर हुई होगी ना कि लड़की अपने भाई के साथ घर से भाग गई। भाई के साथ? चचा जात भाई भाई नहीं होता क्या? मैं जा रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? जी, वो डॉक्टर का फोन आया था, उसने बुलाया। डॉक्टर ने बुलाया? खैरियत तो है, कल तो गए थे डॉक्टर के पास। वो हॉस्पिटल वाली डॉक्टर थी, आज मेरी डॉक्टर ने बुलाया। अच्छा चलो, तुम एक काम करना, मामा के साथ चली जाना, मैंने दानी के पास आना है, वो भी बहुत जरूरी है। आपके साथ बुलाया है? मेरे साथ बुलाया, सब खैरियत तो है ना? जी सब ठीक है, आप जाएं, मैं कर लूंगी मैनेज। नहीं नहीं, अगर डॉक्टर ने बुलाया तो हमें जाना चाहिए, बेहतर होगा कि हम दिखा दें। चलो उठो। रीश, मैंने कहा ना हमें चलना चाहिए, आ जाओ। उठ सकती हो ना? तुम उसका ख्याल रखोगे? जी, मैंने तो उसकी माँ से कह दिया कि मैंने उसकी बात तुमसे तय कर दी है, अगर तुम मना करना चाहते हो तो। नहीं, मैंने क्यों मना करना है? इन तमाम बातों के बावजूद इज़ा की बहुत इज्जत करता हूं मैं। बहुत अच्छी थी मेरी इज़ा, पता नहीं किसकी नजर लग गई, अब तो कोई भी उल्टी सीधी खबर पढ़ता हूं तो लगता है जैसे मेरी इज़ा के साथ ही हो रहा है। पर जिनके साथ हो रहा है वो भी तो किसी की इज्जत है। मेरी बच्ची को गलत मत समझना। हरगिज़ नहीं, बहुत प्यार से रखना उसे। ऑफ कोर्स, मैं तो फैमिली हूं, और अगर मैं ना समझा इन बातों को तो कौन समझेगा? मैं तुम्हारी अम्मी से बात करता हूं। आपको क्या जरूरत अम्मी से बात करने की? वो खुद आपसे बात कर लेंगी। अगर वो आ जाए तो मैं निकाह ही कर दूं। मैं जीते रहो बेटा, बहुत बड़ा बोझ हटा दिया मेरे सर से, अब उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जिम्मेदारी सर आंखों पे चचा, पर इस बात का जिक्र आप उसे खुद कर दीजिएगा, वरना मेरी कहां सुनेगी वो।
तानी, तानी उठो ना प्लीज, इंतजार कर रही थी ना मेरा, देखो मैं आ गया, अमीन प्लीज आगे खोलो, मैं कह रहा हूँ ना आइंदा तुम कभी छोड़ के नहीं जाओ। अच्छा अच्छा सुनो, तुम तो सोल्जर हो ना मेरी, अभी तो साथ शुरू हुआ था हमारा, दुनिया को गलत साबित करना था, अभी हमारी जीत का टाइम आ रहा है, तुम सो रही हो, तानी उठो ना प्लीज, तुमने कहा था ना हमेशा हरीश की बनके रहोगे, तो अब आके खोलो, देखो मैं आगे हूं, मैं प्रॉमिस है तुम्हें छोड़ कभी नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज तुम्हें मेरी कसम आगे खोलो, तानी इसको तलाक देना चाहता हूं, बैक डेटेड। बैक डेटेड मतलब पिछली तारीख में? जी बैक डेटेड। ओके, तो सर इसमें वजह क्या लिखूं? लिखना कैरेक्टरलेस थी, मौका मिलते ही अपने आशना के साथ भाग गई। सर ऐसा ही लिखूं? बल्कि फैला दो, उसको इज्जत रास नहीं आई, फिल्मों का शौक था इसलिए मौका मिलते ही फरार हो गई। सर वो शेरगढ़ की हैं, इससे बहुत बदनामी होगी। यार आई डोंट केयर कि वो शेरगढ़ की है या बकिंघम पैलेस की, वो भाग गई है, ये काम पूरा करो। सर वो तो अस्पताल में है, लोग सवाल तो करेंगे। मुझे लास्ट याद पड़ता है वो शेरगढ़ गई थी ना, आप भी तो वहां थे। देखिए ये तो मैं और आप जानते हैं, और कानून भी वही मानेगा जो आप पेश करेंगे। ये तो ऐसे ठीक है सर, टाइमली कर दीजिएगा। ओके सर। जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी खुशी नहीं है बल्कि बहुत दुख है। मैंने तुम पे इतना भरोसा किया बेटा, मगर तुमने छोड़े ना चाचू, आपने पहले भी इतना गुस्सा किया था। आप बीच में मत बोले, आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। कबीर से तुम बदतमीजी नहीं कर सकती, तुमसे उम्र में बड़ा है और इसके बहुत एहसान है हम पे। कौन से एहसान है बाबा? बेटा अपनी हद में रहो वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम आधी रात को घर से नहीं गई थी? आप क्यों नहीं दिखाते ने वो नोट जो मैं रख के गई थी? तुम्हें क्या लगता है इसने छुपाया है वो? जाहिर है, पता नहीं क्या मिलेगा ये सब करके। होश में रह के बात करो वरना। दामल से जाचू, बेटी है, आप तो समझदार हैं ना। मैंने कबीर से तुम्हारी बात तय कर दी है, जुम्मे को उसके घर वाले आएंगे और हफ्ते को निकाह होगा। बाबा मैं इनकार कर दूंगी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं। आप मेरी बात तक नहीं सुन रहे और निकाह का कह रहे। इस्लाम में भी चार गवाहों के बिना आप इल्जाम नहीं लगा सकते, और मेरे खिलाफ तो कोई एक भी नहीं है गवाही देने को। दो है, मैं और कबीर, हम दोनों ने तुम्हें उस गाड़ी से उतरते हुए देखा है, और जिस तरह वो तुम्हें देख रहा था वो भी देखा है। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। टांगों से माजूर हूं, जहनी तौर पर नहीं, सब जानता हूं मैं वो गलती भी नहीं करूंगा जो जाहिद ने की। कबीर बहुत अच्छा लड़का है, इसे हर तरीके से परख लिया मैंने, हर बात के बावजूद वो तुम्हें खुले दिल से कबूल कर रहा है, मेरे लिए यही काफी है। आपने अम्मी को बता दिया? निकाह में सिर्फ दो गवाहों की जरूरत होती है, मां की नहीं। क्या है? तलाक का नोटिस आया है सैफ की तरफ से। हाँ
उसने उसे तलाक दे दी। बाप होके आपने उसको छोड़ दिया तो वो नहीं छोड़ेगा। वो जाए तो उसे भिजवा देना, वरना उसके साथ ही इसे दफन कर देना। रहम नहीं आता आपको, कुछ फील नहीं करते? मैं जा रही हूं उससे मिलने, चाहे जो कुछ भी हो। तुम अगर उससे मिलने गई तो मेरा तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं होगा। मेरा हाथ कस के झापड़ मारूंगी आपको। अपनी जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो गुद्दी से निकाल के ना हाथ में पकड़ा दूंगा तुम्हारे। ठीक है, आप जीते मैं हारी, बदतमीजी में तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता ना। कर सकती हो, तुम कर सकती हो, देख लिया मैंने कि तुम कितनी बदतमीज हो। आपको जरा शर्म नहीं आती? आपको अपनी जातियों का कोई एहसास नहीं है? मैंने कुछ जाति नहीं की तुम्हारे साथ, उल्टा मैंने तुम्हें शैतान के शर से बचाया। वो $1,000 के सूट में गुड्डा मवाली धीरे धीरे जो तुम पे डोरे डाल रहा है, और जब से तुम उसकी बातों में आ रही हो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा। ये आपने आपकी छोटी जहनियत बोल रही है, एहसास कमतरी बंद दिमाग बोल रहा है। भाई मैं कुछ भी करूंगी लेकिन अल्तमश मुझे कभी इस तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तुम मुझे अल्तमश से कंपेयर करियो? नहीं कबीर भाई, अल्तमश और आपका तो कोई मैच ही नहीं है। बहुत गरूर आ गया तुम्हें जब से तुम शेरगढ़ से आई हो, पर निकल आए तुम्हारे। नहीं, मैं हमेशा ही ऐसी थी, ना मैं आपसे डरती हूँ ना आपकी गंदी जुबान से। मेरे बाबा बेचारे वो घर से बाहर नहीं निकल पाते तो आपने उनके जहन में भी जहर भरना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती है? खैर, आपको जितनी स्कीमिंग करनी है ना आप कर लीजिए, कि मेरे अल्लाह से बड़ा स्कीमर तो कोई नहीं है ना। वैसे भी सुबह मुझे ऑफिस जाना है, अब देर हो रही है। बल्कि एक मिनट, आपने कहीं उन्हें ऑफिस के बारे में भी तो नहीं फेंका दिया? अब सारे घर का खर्चा भी आप उठाएंगे, कमाल करते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? डर महज इसलिए क्योंकि आप ताकतवर हैं, लंबे चौड़े हैं, नहीं तो शायद आपको मेरे अल्लाह की ताकत का नहीं अंदाजा। जब भी आप ये बात कर रहे हैं, आप तो एक जाहिल बेवकूफ इंसान है, आपसे क्या डरना। जी, हरीश कहाँ है? हॉस्पिटल में। तारीन के पास? जी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? हरीश बहुत परेशान थे, मुझे रहा नहीं गया। और तुमने उसे कहा कि हॉस्पिटल चले जाओ, है ना? तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब देखना कितना पछताओगी। वो जिए या मरे, तुम तो गई काम से। हरीश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इस वक्त बस दानी बच्चा है, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेवकूफ लड़की। चलो। मैं नहीं जा रहा। तुम्हें पता है कि इस लड़की की वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है? इसके बाप ने भी इसको रद्द कर दिया है। लेकिन मैंने नहीं किया, वादा किया था मैंने कि आखिरी वक्त तक इसके साथ रहूंगा।
इसका आखिरी वक्त आ चुका है। तुम्हारे यहां बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं हमारे बारे में? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, और आपको भी अच्छी तरीके से जान चुका हूं। आपकी अब किसी बात का कोई असर नहीं होगा मुझ पर। जब तक ये यहां पर है मैं इसी के साथ रहूंगा। देखो बेटा, जिंदगी में कोई भी वक्त एक सा नहीं रहता, चाहे वो गम हो या खुशी। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहां बैठी हो, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया। बहुत खुशी से भेजा था ना अपने शौहर को, ठीक हो गई है वो। क्या धनी ठीक हो गई? हाँ ठीक हो गई है। अब अपने शौहर की शादी करा के ना विदा कर देना उसे। वो तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं थी मुझे, अब तो बिल्कुल नहीं है। हरीश भी जाए जानू में। हरीश तो अब खुद ही नहीं आना चाहेंगे यहाँ पे। और जब मैं उसे ये बताऊंगा ना, इस सब में तुम्हारा हाथ भी था, तुम्हें भी छोड़ देगा वो।